हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रसोई हैक्स, द होम ऑफ फटाफट रेसिपीज। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तिल और खोया के लड्डू, जो 10 से 15 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाते हैं। और इसमें हमने जो खोया यूज कर रहे हैं वो भी इंस्टेंट है, और इसमें आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, और ये हर एज ग्रुप को पसंद आते हैं। इसे हम मलाई के साथ बनाएंगे, आप चाहें तो क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अब हम खोया और तिल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने नेस्ले का डेरी वाइटनर लिया है 1 कप, आधा कप हमने लिए हैं सफ़ेद तिल, 4 टेबलस्पून मलाई, 3 टेबलस्पून मिल्क और 2 टेबलस्पून हमने शुगर लिया है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमने पैन को पहले से ही प्रीहीट कर लिया है, और हल्का ब्राउन होने तक हम इनको रोस्ट करेंगे। इन्हें रोस्ट करने के लिए आप फ्लेम को हल्का ही रखेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको लगातार हिलाते हुए रोस्ट करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि हमने इनको हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है, और ठंडा करने के बाद इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे, और ध्यान रखेंगे कि ये ज्यादा ना पिसे, इसका हमने पाउडर नहीं करना है। अब हम तिल और खोए के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए बोल में सबसे पहले हम मलाई डालेंगे। आप डालना चाहें तो इसमें क्रीम भी यूज कर सकते हैं जो मार्केट में मिलती है, दूध, शुगर और डेरी वाइटनर। इनको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसे हम माइक्रोवेव में पहले 1 मिनट के लिए चलाएंगे। हमने मिक्स को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया, तो आप देखते हैं कि ये थिक होना शुरू हो गया। अब 30 सेकंड्स के लिए इसको और करेंगे। और करने के बाद ये काफी ड्राई हो गया है। अब इसमें हम ये पिसे हुए सफेद तिल डाल देंगे, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसको इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि डेरी वाइटनर का जो ग्रेनी टेक्सचर है वो खत्म हो जाए और स्मूथ लड्डू इजीली बन जाए। और इसे आप गरम गरम ही बनाएंगे, नहीं अगर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू में क्रैक्स आ जाएंगे। तो जो भी साइज के आप बनाना चाहें, आप इनको गरम गरम ही रोल करेंगे। और तिल खोया लड्डू बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं। आई एम श्योर आपको तिल और खोया लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाएं और अपना फीडबैक हमें दें।
हमारे चैनल रसोई हैक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई फटाफट रेसिपी के साथ। थैंक यू।